शिव तांडव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को भक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिर में भगवान की बेल पर दूध दही और जल से अभिषेक कर भक्तों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की गई। महोबा के शिव मंदिर में चंदेल शासक नानुन ने 11वीं सदी में ऐतिहासिक मदन सागर सरोवर के पश्चिम में गोखार पहाड़ की उत्तर भूमि में ग्रेनाइट शिला पर भगवान भोलेनाथ की महाकाल मुद्रा में तांडव करती 10 भुजी प्रतिमा का निर्माण कराया था, जो शिव तांडव के नाम से देश विदेश में प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध यह मंदिर यूपी के महोबा जिले में है, जहाँ सावन के हर सोमवार को शिव भक्तों का सैलाब उमड़ता है। ऐतिहासिक शिव तांडव प्रतिमा अपने आप में एक अनोखी है। गजासुर के वध के उपरांत शिव जी ने जो नृत्य किया वही शिव तांडव के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। यह भव्य प्रतिमा एक चट्टान पर उत्कीर्ण की गई थी। इसका वर्णन कर्म पुराण में भी मिलता है। इस प्रकार की गजासुर प्रतिमा दक्षिण में एलोरा, हेल्विका तथा दारापुरम में भी देखने को मिलती है। शिव तांडव मंदिर में शिवरात्रि, मकर संक्रांति व सावन मास के सभी सोमवार को भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है। मान्यता है कि महाकाल की तांडव प्रतिमा में मत्था टेकने से जो मांगो वह वरदान मिल जाता है। दूर दराज से भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्त यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर में पूजा के बाद हजारों भक्त बलखंडेश्वर धाम, 12 ज्योतिर्लिंग भी धाम पहुँचते हैं। देखिए, सावन तो पूरे बुंदेलखंड के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और क्योंकि आषाढ़ के बाद होता है, गर्मी के बाद होता है, तो इस समय बारिश शुरू होती है, लोगों को बड़ा इंतज़ार रहता है, बुआई का समय होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। तो सावन का पहला सोमवार सवेरे 4 बजे लोग उठ के मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं शिव जी के। जहाँ तक शिव तांडव की बात है, वो ऐतिहासिक गोरखगिरी के तट पर मौजूद है और उत्तर भारत की शिव जी की सबसे बड़ी तांडव नृत्य करते हुए प्रतिमा है वो, और उसका तो विशेष महत्व है। वो जो शिव जी की प्रतिमा है वो 10वीं शताब्दी में उसकी स्थापना की गई थी, राजा धंग ने करी थी, और उसके बाद से वो एक चट्टान पे उकेरी गई ऐसी नेचुरल प्रतिमा है कि वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। शिव जी का एक बहुत बड़ा स्थान है, पूरा गोरखगिरी परिसर ही शिव जी का बहुत बड़ा स्थान है, उसमें शिव जी के कई स्थान हैं, तो वहाँ पर सुबह से पूजा अर्चना होती है। उसका महत्व ये है कि लोग सावन में लोग चाहते हैं कि बारिश हो, बारिश होने से जल स्रोत हमारे फिर से भर जाएं, पानी की कमी दूर हो और खेती अच्छी हो, तो ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है, और उसको लेके आज हम लोगों ने भी प्रार्थना की सवेरे कि अभी तक हमारे क्षेत्र में बारिश नहीं हुई, तो भोले बाबा इस बार अच्छी बारिश करवाएं, और ताकि हम लोगों को यहाँ फिर से अच्छी फसल और सूखे से निजात मिले। महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट।